गाइस, आई एम नम्रता, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ सिंपल के एक न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट का रिव्यू करूंगी, इन डेप्थ रिव्यू करूंगी, वो भी कम से कम टाइम में। इसका आपको डेमो भी दिखाऊंगी। सो इस प्रोडक्ट का नेम है सिंपल डेली स्किन डिटॉक्स अल्ट्रा लाइट मॉइस्चराइजर। आज तक कभी भी मैंने कोई भी ऐसी पैकेजिंग का कोई प्रोडक्ट यूज नहीं किया है और स्पेशली मॉइस्चराइजर तो बिल्कुल भी नहीं किया है। सो मैं बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड थी, तो लास्ट वन जब ये लॉन्च हुआ था उसके 2-3 दिन बाद जब मुझे पता लगा, सो मैंने इसे ऑर्डर कर लिया था नायका से एंड तब से कॉन्स्टेंटली मैं इसे अपने डेली स्किन केयर रूटीन में फॉलो कर रही हूँ। मैं इसे सुबह और शाम को डेली यूज करती थी। तो आज की वीडियो में इन डेप्थ आपको बताऊंगी कि मेरी स्किन टाइप के हिसाब से ये कैसा है और क्या क्या इसके प्रोज एंड कॉन्स है। सो मेक श्योर आप वीडियो एंड तक जरूर देखना ताकि आपको पता चल जाए कि आपको ये प्रोडक्ट परचेज करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन पे क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कर लेना ताकि मेरी ऐसी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच जाएगी। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टार्टिंग विद द आउटर पैकेजिंग, दिस इज हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक। इस तरीके की व्हाइट कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है। इसका फुल नेम है सिंपल डेली स्किन डिटॉक्स अल्ट्रा लाइट मॉइस्चराइजर एंड दिस गिव्स यू 24 आवर हाइड्रेशन प्लस इंस्टेंट मैट इफेक्ट। इसमें आपको जो मेन इंग्रेडिएंट्स मिल रहे हैं वो है थाइम, जिंक एंड विच हेजल। तो ये तीनों के तीनों इंग्रेडिएंट्स को अभी हम डिटेल से बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं दिस रिटेल्स फॉर ₹199। बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल रेट है क्योंकि इससे पहले जितने भी मैंने अच्छी कंपनी के मॉइस्चराइजर लिए हैं वो 250-300 के अबव ही आते हैं, बट 199 में एक बहुत ही अफोर्डेबल डील है। अब मैंने जब इसे परचेज किया था इसमें कुछ ऑफर चल रहा था तो आई थिंक मुझे 149 रुपीज का मिल गया था। तो अगर आपको ये 199 का भी मिले तो मेरे हिसाब से आपको डेफिनेटली इसे परचेज करके ट्राई करना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके कुछ मेन इंग्रेडिएंट्स की एंड फिर हम बात करेंगे इसकी इनर पैकेजिंग की और इसके प्रोज एंड कॉन्स की। सो इसके जो मेन 3 इंग्रेडिएंट्स है जो है थाइम, जिंक और विच हेजल, ये तीनों ही इंग्रेडिएंट्स हेल्प करते हैं आपके एक्ने को रिड्यूस करने में। स्पेशली जिंक तो इसलिए काम आता है अगर आपके फेस पे इन्फ्लेमेटरी एक्नेज हो रहे हैं, जैसे कि अगर आपको रेडनेस हो रही है और इचीनेस भी होती है, उसे रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करता है, जो सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है या फिर ऑयली स्किन है आपके लिए बहुत ही अच्छा है। जिंक आपको हेल्प करता है अगर आपके फेस पे थोड़े बहुत ब्लेमिशेस भी है उसे भी रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करता है। और इसकी पैकेजिंग के ऊपर भी मेंशन है कि स्पेशली ऑयली और ब्लेमिश प्रोन स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। मेरी ड्राई स्किन है तो विच हेजल एक्सट्रैक्ट, अगर आपकी एक्सट्रीमली ड्राई स्किन है और एक्सट्रीमली सेंसिटिव स्किन है तो ये दोनों स्किन टाइप के लिए विच हेजल एक्सट्रैक्ट आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए। इससे आपको इरिटेशन हो सकती है, बट मेरी एक्सट्रीमली ड्राई नहीं है, कभी कभी मेरी थोड़ी बहुत यहां से कॉम्बिनेशन स्किन हो जाती है, इसलिए मैंने इसे यूज किया है एंड मेरे स्किन टाइप पे इसे कोई भी इशू नहीं हुआ है। तो एक बहुत ही बड़ा थम्स अप है, अगर आपकी एक्सट्रीमली ड्राई और एक्सट्रीमली सेंसिटिव है तो आप बिल्कुल भी इसे यूज मत करना, या फिर आप पैच टेस्ट करके यूज कर सकते हो। अगर आपकी ऑयली स्किन है, एक्ने प्रोन स्किन है, ब्लेमिश प्रोन स्किन है या फिर थोड़ी बहुत सेंसिटिव स्किन है, अगर आपको ज्यादा एक्ने प्रॉब्लम नहीं है तो आप डेफिनेटली इसे एक बार ट्राई करके देखो। मेरे हिसाब से अभी तक का ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है और जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो भी हम अभी आगे बात करेंगे, वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। आप सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी इनर पैकेजिंग की, वो किस तरीके से है और किस तरीके से आपको उसमें प्रोडक्ट मिलता है। सो दिस इज हाउ द इनर पैकेजिंग लुक्स लाइक। एक व्हाइट कलर की ऐसी छोटी सी क्यूट सी बॉटल में आता है, पैकेजिंग वाइज मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। जैसे इस ब्रांड का नेम है सिंपल, इसकी पैकेजिंग भी बहुत ही सिंपल एंड स्टर्डी है, मेरे हिसाब से बहुत अच्छी पैकेजिंग है। इसमें ऊपर आपको इस तरीके का जो कैप मिल रही है इसे रिमूव कर लोगे आप इजीली, और ऊपर आपको ये जो टिप मिल रही है इससे प्रोडक्ट को यूज करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। आप डायरेक्टली इसे अपने फेस पे ऐसे डाल के या फिर आप इसे अपने हैंड पे लेके बहुत इजीली अपने फेस पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो आपको क्वांटिटी मिल रही है वो मिल रही है 50 ml एंड यू कैन बिलीव मैं लास्ट 1 month से इसे कंटिन्यूसली यूज कर रही हूँ सुबह और शाम को, और अभी ये सी थ्रू पैकेजिंग नहीं है तो मुझे नहीं पता इसमें कितना प्रोडक्ट बचा है, बस मैं जितना फील कर सकती हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आधे से ज्यादा प्रोडक्ट अभी बचा हुआ है। तो अगर आप ऐसे डेली बेसिस पे यूज करोगे तो ये कम से कम आपके 2-3 महीने तो डेफिनेटली चल जाएगा। तो अगर इसकी क्वांटिटी की बात करें तो मेरे हिसाब से 199 में एक बहुत ही बॉम प्रोडक्ट है। अगर अभी तक आपने सिंपल की कोई भी प्रोडक्ट ट्राई नहीं करे है तो एक बार आप ये ट्राई करके देखो, मेरे हिसाब से ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। सो अब बात करते हैं ये क्लेम क्या करता है, क्योंकि 1 month तक यूज करने के बाद अब मैं आपको डेफिनेटली बता सकती हूँ कि जो ये क्लेम करता है वो प्रूव करता है या नहीं करता है। तो सबसे पहला क्लेम है कि 24 आवर्स तक आपको हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है और इंस्टेंटली मैट इफेक्ट देता है।
मेरी ड्राई स्किन है, मैंने इसे यूज किया है जब भी, तो मेरी स्किन कभी भी मुझे उसके बाद ड्राई नहीं लगी है। बहुत ही अच्छा सा ग्लो आपको प्रोवाइड करता है, एकदम मैट फिनिश। मुझे नहीं लगता कि एकदम मैट फिनिश देता है, बट हाँ कुछ हद तक आपको थोड़ी बहुत मैट फिनिश देगा। बट अगर मेरी स्किन के हिसाब से देखा जाए और समर सीजन में देखा जाए तो डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छा लुक देगा। और ऑयल कंट्रोल ये बहुत अच्छे से करता है। मेरे टी जोन में यहाँ इस एरिया में बहुत ज्यादा ऑयल क्रिएट हो जाता है, मैं कोई भी चीज यूज कर लूँ एक घंटे बाद यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑयल आ जाता है। बट जब मैं इसे यूज करती हूँ ऑयल को बैलेंस आउट करने में हेल्प करता है, और जहाँ पे ड्राइनेस है उसे और ज्यादा ड्राई नहीं करता है। तो अगर आपके ड्राई स्किन टाइप है या ऑयली स्किन टाइप है, आप दोनों ही इसे यूज कर सकते हैं, डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। इसमें कोई भी आर्टिफिशियल परफ्यूम नहीं है, कलर नहीं है, कोई भी हार्श केमिकल्स नहीं है, और कोई भी ऐसे ड्राइंग एल्कोहल नहीं है, ना ही कोई मिनरल ऑयल है, और ना ही इसे एनिमल्स पे टेस्ट किया गया है। अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट देखते हो जिसमें इतने सारे बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं, क्योंकि सिंपल एज अ ब्रांड मैंने इससे पहले इसके दो प्रोडक्ट्स ट्राई किए हैं, जिसमें मैंने इसका फेस वॉश और मॉइस्चराइजर दूसरा वाला ट्राई किया है, एंड दोनों ही चीजें बहुत अच्छी है। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो मैं डेफिनेटली आपको बोल सकती हूँ, अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट सूट नहीं करता है तो आपको सिंपल के प्रोडक्ट जरूर ट्राई करने चाहिए। ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, बट मैंने जितना मेरे ट्राई किया है मेरे स्किन को बहुत ही अच्छे से इम्प्रूव किया है। मेरे स्किन पे यहाँ पे थोड़े बहुत बम्स थे एंड वो मुझे बहुत ज्यादा इरिटेट करते हैं, मैं डेली बेसिस पे उन्हें कुछ ना कुछ प्रोडक्ट यूज करके ठीक करने की कोशिश करती थी। बट जब से मैंने इसे यूज करना स्टार्ट किया है 1 month में मेरी स्किन यहाँ से बहुत ज्यादा क्लियर हो गई है, और जितने भी यहाँ पे अलग अलग बम्स मुझे दिख रहे थे और पोर्स भी दिख रहे थे, उसे हील करने में ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। नेक्स्ट है, इसके ऊपर मेंशन है कि बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है, बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है, बिल्कुल भी ग्रीजी नहीं लगता है। तो अगर बात करें कि ये ग्रीजी है या नहीं है, बिल्कुल भी ग्रीजी नहीं है। जैसे ही मैंने इसे अपने फेस पे अप्लाई किया बहुत स्मूथली ब्लेंड हो जाता है, बहुत ही इजीली एब्जॉर्ब भी हो जाता है। इतना अच्छा इसका टेक्सचर है कि आप इसे 10 seconds में देखेंगे बहुत इजीली एब्जॉर्ब भी हो जाता है, एंड एब्जॉर्ब होने के बाद ऐसा नहीं है कि ये एकदम आपको ड्राइंग इफेक्ट देगा, एकदम सॉफ्ट एंड सटल आपकी स्किन लगेगी। और ये एज अ प्राइमर भी काम करता है, बट मैंने कभी इसे एज अ प्राइमर यूज नहीं किया, मैंने हमेशा इसे मॉइस्चराइजर की तरह यूज किया है। एंड अगर आप चाहें तो इसके बाद और मॉइस्चराइजर भी ऐड कर सकते हैं अगर आपकी एक्सेसिव ड्राई स्किन है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो सिर्फ ये मॉइस्चराइजर ही अगर आप समर सीजन में अप्लाई करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप ड्राई, जैसे अगर आपकी विंटर में थोड़ी बहुत ड्राई स्किन हो जाती है, तब भी आप इसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि ड्राई स्किन को भी बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुंचाता है। सो ये प्रोडक्ट डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड भी है, नॉन कमेडोजेनिक है, और अगर आपको एलर्जीज हो जाती है उसके लिए भी बिल्कुल टेस्टेड है ये। जिन लोगों को कोई भी प्रोडक्ट सूट नहीं करता है, मेरे कहने से एक बार सिंपल के प्रोडक्ट ट्राई करके देखो, इनमें कोई भी केमिकल्स नहीं है, कोई अलग सी फ्रेग्रेंस इन्होंने ऐड नहीं करी है, एंड बहुत ही ज्यादा सूदिंग लगता है। अगर स्पेशली इस प्रोडक्ट की बात की जाए, इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो कुछ भी नहीं है, बहुत ही ज्यादा माइल्ड सी फ्रेग्रेंस है, वो भी इसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स है उसकी है। अलग से आपको कुछ भी फ्रेग्रेंस फील नहीं होगी, क्योंकि जो एल्कोहल और फ्रेग्रेंस वाले प्रोडक्ट होते हैं वो आपके स्किन के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। सो नेक्स्ट टाइम अगर आप कोई भी ऐसे स्किन केयर में प्रोडक्ट परचेज करते हो तो आप चेकआउट करो कि उसमें कोई एल्कोहल तो नहीं है या फिर कोई फ्रेग्रेंस इन्होंने ऐड तो नहीं करी है, क्योंकि ये दोनों चीजें आपके फेस पे इरिटेशन भी क्रिएट कर सकती है और एक्ने प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती है। अब हम इसके बाद बात करते हैं इसके टेक्सचर की और आपको इसे अपने फेस पे कैसे अप्लाई करना है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि इसका टेक्सचर कैसा है और इसकी कंसिस्टेंसी कैसे है। सो अगर हम बात करें अपने हैंड पे, सो अगर मैं यहाँ पे से 2 drops डालती हूँ, बहुत ही इजीली आपके स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा। 10 to 15 seconds के अंदर आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने अपने स्किन में कुछ अप्लाई किया हुआ है, एंड यू कैन सी कितना ज्यादा हाइड्रेटेड मेरी स्किन लग रही है। इसमें बहुत अच्छी पावर है आपके ऑयल को कंट्रोल करने के लिए। सो दोनों में आप देख सकते हो ये स्किन मेरी बहुत ज्यादा सॉफ्ट लग रही है, एंड अब मैं फील कर सकती हूँ कि एज अ प्राइमर भी ये काम कर सकता है, क्योंकि ये स्किन बहुत ज्यादा सॉफ्ट लग रही है एंड ये थोड़ी सी हार्श लग रही है, क्योंकि मैंने कोई भी मॉइस्चराइजर अप्लाई नहीं किया हुआ है। सो अगर आपकी मेरी जैसी स्किन है या फिर आपकी ऑयली स्किन है और ब्लेमिश प्रोन स्किन है, आप डेफिनेटली इसे ट्राई करो, आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि इसे फेस पे कैसे अप्लाई करना है। तो मैं डायरेक्टली इसे अपने फेस पे ऐसे डाल लेती हूँ, एंड 2-3 drops ही आपके एक साइड के लिए बिल्कुल सफिशियंट है। इसके ऊपर मेंशन है कि पी साइज क्वांटिटी, तो आप समझ सकते हो बहुत ही थोड़ी सी, एंड अपने फेस पे थोड़ा बहुत रब कर लेती हूँ, एंड बहुत ही अच्छी फिनिश देता है मुझे, एंड इसके बाद मेरी स्किन बहुत ज्यादा हेल्दी लगती है। मैं आपको डेफिनेटली ये प्रोडक्ट रिकमेंड करूंगी, बस इसका एक ही कॉन है कि इसमें विच हेजल एक्सट्रैक्ट है, वो भी उन लोगों के लिए जिनकी स्किन बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है और एक्सट्रीमली फ्लेकी और ड्राई स्किन है, वो लोग इसे बिल्कुल भी यूज मत करना। बाकी चाहे आपकी कोई भी स्किन टोन हो या कोई भी स्किन टाइप हो, आप डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते हैं। इसका जो लिंक होगा वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप डेफिनेटली वहां से उसे परचेज कर सकते हैं।
सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपके लिए आज की वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये रिव्यू पसंद आया, तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है तो। और किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू देखना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट में बताएं, मैं जरूर उसे क्रिएट करने की कोशिश करूंगी। आप मेरी बाकी वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। सो मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।